अलाउद्दीन खिलजी 1299 के आसपास में गुजरात अटैक करने के लिए गया था। मिडिवल के अंदर आपने पढ़ा होगा, और इस गुजरात आक्रमण के समय जब लूट के धन का बंटवारा कर रहे थे, जब उन्होंने गुजरात को लूटा, उसके धन का बंटवारा कर रहे थे, तो उसके दो सेनापति थे। एक सेनापति का नाम था मोहम्मद सा और एक सेनापति का नाम था के हबरू। मोहम्मद सा और के हबरू नाम के दो सेनापति थे। ये सेनापति लूट का धन जब बांट रहे थे तो इन्होंने कहा कि हमें कम धन दिया जा रहा है। ये बेसिकली मंगोल थे। कहते हैं कि 1296 में जलालुद्दीन खिलजी मंगोलों को हराकर 4000 मंगोलों को मुसलमान बना देता है, जिनको हम नवीन मुसलमान के नाम से जानते हैं। दिल्ली में इनके लिए अलग से कॉलोनी बनी थी मंगोलपुरी। अतः मोहम्मद सा के हबरू ने कहा कि हम मंगोल हैं, नए नए मुसलमान बने हैं, इसलिए तुम हमें पूरा मुसलमान मानते नहीं, इसलिए लूट का धन हमें कम दे रहे हो। अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, बगावत कर देते हैं। एक कारण यह भी बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की कोई बेगम थी चिमना भाई, और ऐसी खबरें थी कि अलाउद्दीन इस वजह से भी कहीं ना कहीं नाराज था कि यार तुम्हारा ये भी चल रहा है कुछ, तो ये दोनों वहां पे बगावत करते हैं। अलाउद्दीन इनको ज्यादा धन देने से मना कर देता है। ये दोनों भागकर हमीर के पास चले जाते हैं। मोहम्मद सार के हबरू ने हमीर के पास शरण ली। अलाउद्दीन ने हमीर को फोन किया कि भाई साहब अपने दो बंदे तेरे पास हैं, इन बंदों को हमें वापस सौंपा जाए। हमीर ने मना कर दिया। हमीर ने कहा शरणागत की रक्षा करना सनातन संस्कृति का मुख्य आदर्श है, ये मेरी शरण के अंदर आए हुए, इनको मैं नहीं सौंप सकता। इस बात पर अलाउद्दीन को गुस्सा आता है। अलाउद्दीन वैसे भी चाहता था रणथंभौर के किले पर कब्जा करे वो, क्योंकि उसके चाचा दो बार हार के गए थे, हार का बदला लेना है कहीं ना कहीं। ऊंचा किला है, काम आएगा, आपको मालवा गुजरात पर कंट्रोल करने के लिए वो किला काम आ सकता था, इसलिए उसने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण है ना, लिखो 1301 ईस्वी में, इन 1301 AD, 1301 ईस्वी में, इन 1301 AD, 1301 ईस्वी में, इन 1301 AD अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक ऑन रणथंभौर, मैं नीचे सेनापति लिख रहा हूं, आप सेनापति लिखिए। कमांडर इन चीफ सेनापति अलाउद्दीन की तरफ से कौन कौन थे, इधर हमीर की तरफ से कौन कौन थे, दोनों लिख लेना। नुसरत खान, उलूग खान और अलप खान। अलाउद्दीन के चार खान थे, एक जफर खान और था जो मंगोलों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, बाकी अलाउद्दीन के चार मुख्य सेनापति हुआ करते थे। इधर हमीर के सेनापति थे भीम सिंह और धर्म सिंह। भीम सिंह और धर्म सिंह नुसरत खान, उलूग खान और अलप खान, भीम सिंह और धर्म सिंह, भीम सिंह और धर्म सिंह, याद रखना। अलाउद्दीन की तरफ से नुसरत खान मारा गया था इसके अंदर, इधर से ये भीम सिंह मारा गया था, ये दोनों इस युद्ध के अंदर मारे गए थे। अलाउद्दीन की तरफ से कौन सा सेनापति मारा गया था, नुसरत खान। हमीर की तरफ से कौन सा सेनापति मारा गया था, भीम सिंह। नीचे लिख लो अगली लाइन में, नुसरत खान नाम का सेनापति था जो इस युद्ध के अंदर लड़ता हुआ मारा गया था। ये अलाउद्दीन के चार मुख्य सेनापति थे। जफर खान और था, जफर खान मंगोलों के खिलाफ लड़ता हुआ मरा था। नुसरत खान जो है वो आपके यहाँ पे रणथंभौर आक्रमण में काम आ गया था। वैसे तो और आपने मलिक काफूरन और पढ़े होंगे, पर खान की जिनको उपाधियां मिली थी, ये चार बड़े लोग थे अलाउद्दीन खिलजी के। इधर से भीम सिंह मरा था, उधर से नुसरत खान मरा था। कहते हैं ये पहले किले के नीचे युद्ध हुआ था, उसकी स्थितियां ये थी। अभी तक किला जीत नहीं पा रहे थे। शुरुआत वाले इस युद्ध के अंदर हमीर की जीत होती है, भले ही उसके भीम सिंह से उसको हाथ धोना पड़ा था, सेनापति मारा गया था, पर उसकी सेना जीत के आती है, इनकी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। पर अलाउद्दीन खिलजी खुद एक बड़ी सेना लेके आ जाता है, यहीं पर बैठा रहता है नीचे, एक लंबा घेरा चलता है। फिर हमीर के तरफ के दो आदमी थे, एक का नाम था रतिपाल और एक का नाम था रणमल।
दो बंदे थे, रतिपाल और रणमल नाम के दो आदमी थे। ये अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाते हैं और कहते हैं कि ये जहां रणथंभौर किले में पानी का कुंड था उसमें गाय का खून मिला देते हैं ले जाकर, और जहां पर अनाज पड़ा हुआ था वहां पर गाय की हड्डियां मिला देते हैं। अब जब किले के अंदर का पानी खराब हो गया गाय के खून की वजह से, अनाज खराब हो गया गाय की हड्डियों की वजह से, तो अब अंदर सेना ने कहा कि साहब न तो हम ये पानी पिएंगे ना हम ये अनाज खाएंगे। अब एक ही तरीका है, भूख और प्यास से मरो, इससे अच्छा है बाहर जाके लड़ा जाए। अब बाहर जाके लड़ोगे तो दुश्मन की सेना बहुत ज्यादा है, आप बहुत कम हो। ऐसे जो भी युद्ध होते उनको हम साका बोलते हैं। ये 1301 में रणथंभौर के अंदर साका किया गया था। इस टाइम यहां पर हमीर के नेतृत्व में केसरिया हुआ, हमीर की रानी हुआ करते थे रंग देवी, उन रंग देवी के नाम पर जौहर किया गया, उन रंग देवी के नेतृत्व के अंदर जौहर किया गया था। अमीर खुसरो अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह में इस जौहर का वर्णन करता है। हम कहते हैं राजस्थान का पहला साका है या पहला जौहर है ये राजस्थान का हमारे, जो 1301 में रणथंभौर के अंदर किया गया था। कहते हैं इस साके के टाइम में हमीर की एक बेटी हुआ करती थी, देवल दे नाम करके एक हमीर की बेटी थी। उस समय ऐसा हुआ करता था कि ऐसी महिलाएं जिनकी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रखी होती थी, शादी योग्य लड़कियां हो, जौहर के अंदर या तो शादीशुदा महिलाएं भाग लिया करती थी या छोटे बच्चे होते तो मां अपने साथ में लेके बैठ जाया करती थी। लेकिन देवल दे बड़ी लड़की थी, शादी नहीं हुई थी उसकी। अक्सर ऐसे माहौल में यह किया जाता कि किसी ना किसी तरीके से किले के बाहर उन शादी योग्य लड़कियों को भेज दिया जाता भुआ मामा के पास और उनकी शादी करवा दी जाती ताकि वो अपने ससुराल चली जाए। पर यहां अलाउद्दीन का घेरा बहुत बड़ा था, कड़ा था, किले से बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं थी। हमीर टेंशन में आ जाता इस बात की कि यार बेटी का क्या करेंगे। इन हाल में तो सुन बीरा हाथ पीड़ा न हो सके, कुंवारी कन्या है इताई जोहर से जना सो सके। इस हालत में तो इस लड़की के हाथ भी पीले नहीं किए जा सकते, कुंवारी लड़की इसलिए जोहर भी नहीं करवाया जा सकता। उस लड़की को जब पता चलता है कि मेरे पिता मेरी वजह से पशो पेश के अंदर है, मेरी वजह से साका नहीं कर पा रहे हैं, कहते हैं वो लड़की देवल दे नाम था रणथंभौर के किले पर चढ़कर पीछे एक तालाब बना हुआ था पद्म तालाब, उसमें कूद कर सुसाइड कर लेती है। हम कहते हैं देवल दे ने एक प्रकार से यहां पे जल जोहर कर लिया था, वो जल में डूब कर मर गई थी। लिख लो थोड़ी बातें, लिखो वैसे इसको पूरे कोई इतिहास, ये सब अपनी किताबों लिखने वाले जल जोहर कर देते हैं, जहां रंग देवी वाला वर्णन आता है उसे भी जल जोहर लिख देते हैं, तो आप किसी बुक में पढ़ लो तो भी आप मान लेना, ऐसा कोई यूं अंतर करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। पर वैसे एग्जैक्टली ये था कि रंगदेवी वाला जो था वो अग्नि स्नानी हुआ था, अग्नि के अंदर ही बैठी थी वो, अब वो देवल दे वाले की वजह से पूरे को जल जोहर करने लगे, तो ऐसा लिखा हुआ हो तो भी कोई कंफ्यूज मत होना कहीं पर भी, है ना। इतना कोई यूं इस प्रकार के डिफरेंस नहीं पूछे जाते, न इस प्रकार के डिफरेंस को मायने दिए जाते हैं ज्यादा। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पे कब्जा करता है और उलूग खान को रणथंभौर सौंप देता है। जैसे उसने चित्तौड़ किसको सौंप दिया था अपने बेटे खिजर खान को, रणथंभौर सौंप दिया था उसने उलूग खान को। लिख लो